वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाम ते बनिया सत्कार कमेटियां वल्लों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ते उंगल उठाई जा रही है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पावन स्वरूपां दे संबंधी जिहड़ी जांच श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों कीती गई सी, और उहदे विच जो भी दोषी पाए गए सन और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों नियमों के अनुसार से सारिआं दे उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की है। और बड़े अफसोस की गल है कि वो 14 तारीख नूं इत्थे धरना लाउण वास्ते जां अपनी कोई मीटिंग करन वास्ते आ रहे ने। और मैं उन्हां नूं पुछना चाहुंदा कि सब तो पहला वो जिहड़े सत्कार कमेटियां ने और जिन्हें भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप ने उन्होंने घर लैके आए जां उन्हां व्यक्तियों तो लैके आए, उन्हां पावन स्वरूपां दा कित्थों लैके आए, कित्थे ओह रखे ने, उन्हां दा सारिआं दा जो हिसाब किताब समुची संगत नूं ओह देण। और इस तों इलावा उन्होंने बहुत सारे जिहड़ा समान लैके आउंदे सी, भावें ओह निशान साहिब सी, पालकियां सी, पीड़े आदि और रुमाले आदि सी, ओह भी उन्हां नूं सारा जिहड़ा हिसाब किताब है समुची संगत नूं देना चाहिदा है। पावन स्वरूपां दे मामले विच मैं समझदा किसे नूं भी कोई राजनीति नहीं करनी चाहिदी। इह इक बहुत ही संजीदा, गंभीर अते धार्मिक मामला है और सानूं सारिआं नूं मिल बैठ के इहदा हल खोणा चाहिदा। श्री अकाल तख्त साहिब ने बड़ी गंभीरता दे नाल सारी जांच कराई है। सो मैं श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं इह भी बेनती करांगा कि एक उच्च पदरी जांच कमेटी बनाई जाए जो कि जो सारे सत्कार कमेटियां दे पासों पूरा जो गुरु महाराज के पावन स्वरूपां का हिसाब किताब लिया जाए, सारे समान का हिसाब किताब लैके और संगतां नूं दस्या जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।